हमारी जो है डायमंड डाउन है देखिए, पर जो है झाड़ती है, यानी हो सकता है कि अभी ये ब्रीडिंग करें, क्योंकि हमारे कबूतर भी जब पर झाड़ते हैं तो ब्रीडिंग ही करते हैं, हो सकता है यार। चलो अल्लाह करे सही हो यार भाई, जल्दी से ब्रीड कर दो मेरी माँ। हाय दिस इज दबाब एंड वेलकम टू पैराडाइज ऑफ पेट्स। तो आज की अपडेट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हमारी जो है डायमंड डव ने तो ऐसा लग रहा है कि अब वो जो है ब्रीडिंग करने वाली है, और बाकी हमारे परिंदे भी हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। आज जो है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ इन लोगों के लिए, दाना डालने के लिए और ये सब करने के लिए, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा लेट सो के उठा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं जाके इन लोगों के लिए दाना पानी कर दूँ, और हमारी बर्ड्स वगैरह का भी हमको हालचाल लेना है कि कैसी है क्या है। तो चलिए अब लेते हैं हमारी अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहले ये है वो हमारी बजी जो कि हमने कल लेकर आए हैं, और हमारी दूसरी वाली बजी मटकी के अंदर है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़े से ब्रीडिंग पे आ सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये हमारे अखंड सिंगल कॉकटेल भाई, क्यों बेटे। और ये है हमारे बाकी सारे प्यारे प्यारे से पिजन सोए हुए। हमने जो है इस वाले पेयर को सेल आउट कर दिया है, ये देखिए एक तो ये है, ठीक है ये, और इसके साथ जो है वो किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कहाँ गया यार वो, ये और एक और भाई किधर गया, ओए दिख नहीं रहा है, अच्छा हाँ वो बैठा हुआ है, ये भाई और ये भाई को जो है हमने सेल आउट कर दिया है। हाँ बाकी हमारे सारे पेट्स अभी अच्छे हैं, और ये हमारे रोमियो अपने मजनू अपनी फीमेल के आगे पीछे घूमते हुए इन्होंने यहाँ पर जो है अभी देखो इस तरीके का बना दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रीडिंग करेंगे, तो चलो बकवास बाद में करेंगे, पहले जो है अपन इनको जो है दाना डाल देते हैं, क्योंकि ये बेचारे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि हमको दाना कब मिलेगा। ठीक है हम पहले मिक्स कर लेते हैं हमारे दाने को, उसके बाद हम लेंगे इसमें भरेंगे और ये दाना जाएगा इन लोगों के पास। चलो हटो 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 अबे यार मुझे डालने तो दिया करो दाना, मुझे डालने भी नहीं देते दाना, और जो है टूट पड़ते हैं उसके अंदर, बट आज थोड़े से ये लेट भी हो गया हूँ ना मैं। लो भाई खाओ, और थोड़ा सा इधर भी डाल देता हूँ, लो भाई खाओ, सब खाओ आराम से खाओ, और हम लोग हमारी ढकी ढकी को भी डाल देते हैं, ढकी भी मेरे को बहुत देर से आवाज़ दे रही है। हाँ भैया हाँ हाँ ये लो आपका भी दाना, लो हम लोग जो है आपको भी दाना डाल देते हैं। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, चलो 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 शाबाश शाबाश, इधर 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 ये खाओ यहाँ पर आराम से। और ये जो है हमारे दो क्यूटी भी बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें दाना चाहिए, दाना चाहिए तुम्हें, अभी तो दिया था तुम्हें दाना है, अभी तो दिया था दाना, चलो आओ 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 इधर आओ अंदर आओ इधर आओ, अरे किधर गई ये कहाँ से आ गई, एक और कहाँ से आ गई, फिर पिंटू इधर से आ जा बेटे तू यहाँ खा, चलो ये लोग आराम से खाना खाएंगे, इन्हें खाना खाने देते, दाना भी खत्म हो गया तो नीचे से लाना पड़ेगा। अब बारी है हमारे कॉकटेल भैया को दाना डालने की, हम हमारे कॉकटेल भाई को भी दाना डाल देते हैं, और इनके लिए मैं अभी जाके ना ग्रीन वेजिटेबल्स भी कुछ लेके आऊँगा, ताकि ये लोग जो है आराम से आपकी डाइट्स ले लें। अब दाने की बारी हमारी इन बर्ड्स की है, ये ऐसा क्यों मुँह घुमा रही है, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, मुझे लगा भाई बीमार तो नहीं है। अब जो है मुझे इनमें डालना है, लेकिन मुझे काफ़ी डर लगता है क्योंकि ये बाहर निकल जाती हैं, तो इसलिए पहले जो है मैं इन्हें दाना डाल देता हूँ, वरना पैसा ना हो कि अपन इनके दाने के चक्कर में इनको उड़ा दें। ठीक है तो मैं आपको इनको दाना डाल देता हूँ पहले इनको। हाँ बेटे कल तो जो है हम लोगों ने इस सबका कलर तो लेके आ गए थे, आज जो है बारी है इसको पेंट करने की, तो मैं सबसे पहले जो है इन सबको बाहर निकालने के बाद आज इसे पेंट कर दूंगा, क्योंकि कल मेरे पास गेस्ट आ गए थे तो मैं उन्हें लेकर कहीं बाहर चले गया था, इस वजह से काम रह गया था, बट आज आई विल डेफिनेटली डू। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये सब चीज़ कलर कर लूँगा अच्छे से, ये वाला ये बढ़िया कलर हो जाएगा, उसके बाद हम दीवारें कलर करेंगे, और उसके बाद जो है हम फ्लोरिंग के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ें रख देंगे। तो हम लोगों ने जो है ये डिस्टम्बर का ये कलर ले लिया है, ये बाल्टी ले ली है, ये हमारा ब्रश, और अब जो है हम इसे करेंगे पेंट। तो फटाफट से पहले मैं इसे इसके अंदर डालता हूँ, इसके अंदर पानी करके और इसे पेस्ट बना लेता हूँ। ये डिस्टम्बर हमने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला लिया है, मैंने सोचा वाइट कलर की जगह थोड़ा डार्क लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उसका। तो
तो हमने पहले तो जो है इसके ऊपर पानी छिड़क लिया है, अब बारी है हमारी इस कलर की। तो हम जो है इस कलर को अब इस जगह पर करेंगे और हमारी कैट्स यहाँ पर हमारे पास बार बार आ रही है। हटो बेटा, अब जो मैं इसे फटाफट से कलर करता हूँ। यार मेरी ना बिचारी डायमंड है, वहाँ से जो है ना मैंने इन्हें वहाँ रखा था, तो वहाँ से जो हमारी केट जो खेलती थी ना तो उन्होंने फेंक दिया था। यार देखो बिचारी को काफ़ी ज़्यादा लग गई है यार, मुझे जो है ना अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने सोचा है ये बोरोप्लस लगाता हूँ क्योंकि ये एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, तो इसके अंदर जो है ना इसको जो जर्म्स वगैरह सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ। क्यों भाई क्या किया तुमने, ये तुमने किया था, किसने किया था, इसको क्यों गिराया? नहीं तुमने ही गिराया है। अच्छा तूने गिराया है, तुमने गिराया ना, तुमने गिराया है, गंदी बात। देखिए इसके जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा लगा है यार, जो है ना यहाँ पर इसको ब्लीडिंग हुई। रुक जा बेटा, बस ट्रीटमेंट, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट। देखो इसके, देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है इसका ये टूट गया यार, बेचारी का पंख। कोई ना, ठीक हो जाएगा। मैंने जो है इसको ट्रीटमेंट करके इसे वापस से इसके पार्टनर के पास से छोड़ दिया है। होपफुली कि दो तीन दिन में जो है ये ठीक हो जाएगा, और इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि मैंने इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, एक दो दिन में जो है ये अच्छा हो जाएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी अपडेट्स। हमारी जो है डायमंड डॉग को बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल सिचुएशन में हो गई है, और उसके जो है पर भी जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया है। तो आप लोग उसके लिए प्रे करिएगा यार, कि अब क्या कर सकते हैं, ये भी जानवर ही है, इसने ये हमेशा इसके साथ खेलता रहता था, बट आज जो है उसने ऐसा कुछ ज़्यादा खींच दिया होगा तो नीचे करके पूरा गिरते 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 पूरा नीचे चले गया, और उस वजह से वो पूरा लोड जो है उसके फैदर के ऊपर आ गया। अब मैंने उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट वगैरह तो कर दिया है, बाकी अब ऊपर वाला है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोग प्रे ज़रूर करिएगा। तो चलिए ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारा चैनल पैराडाइज ऑफ पेट्स को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।